हाय एवरीवन, आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है। और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मेरे पिछले वीडियो ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस, इन सब का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको आप ज़रूर देखें, ताकि इस होल प्रोसेस की बिगनिंग कैसे होती है उसको आप आसानी से समझ सकें। इस पार्ट के अंदर हम क्या डील करने जा रहे हैं कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है, और नेक्स्ट पार्ट में हम डील करेंगे कि कैसे डेसिडुआ बनता है, और फाइनली प्लासेंटा की फंक्शनल यूनिट जिसे कोरियोनिक विलाई कहते हैं उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। सो इस पार्ट में हम देखेंगे इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे उस स्ट्रक्चर के बारे में जहाँ पे कि क्या होता है इम्प्लांटेशन, यानी यूट्रस। तो यूट्रस का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये है फंडस। और यहाँ पे है यूट्राइन ट्यूब्स, और ये वो मेन पोर्शन यानी यूट्राइन कैविटी जिसके अंदर की फीटस का डेवलपमेंट होता है। मैं आपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट फॉर्म होने के बाद 16 सेल स्टेज यानी मॉड्यूला इस यूट्राइन ट्यूब के अंदर बनता है, और यूट्राइन ट्यूब से मॉड्यूला बनने के बाद मूव करता है यूट्राइन कैविटी के अंदर, जहाँ पे ये मॉड्यूला डिफ्रेंशिएट होता है, और यहाँ पे ये बनाता है ब्लास्टोसिस्ट जो कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो पेरिफेरली अरेंज सेल्स होती हैं ये ट्रोफेक्टोडर्म होती हैं, ट्रोफोब्लास्ट, और इनर कुछ सेल्स ग्रुप में यहाँ पे फॉर्म करती हैं इनर सेल मास जो कि एक ही जगह पे कलेक्टेड रहती हैं। सो इस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन यानी इस होल बॉल लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, इसका पूरी तरीके से इस यूट्राइन कैविटी की सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं उसके अंदर धस जाना, यानी ये होल स्ट्रक्चर जो है ये कम्प्लीटली इन लाइनिंग को पेनिट्रेट करता हुआ फाइनली कहाँ चला जाता है? इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर। इसके बारे में और डिटेल मैं आपको डेसिडुआ के अंदर बताऊंगी। सबसे पहले ये जरूर समझ लें कि ये जो यूट्राइन लेयर होती है, यूट्रस की जो वॉल होती है, ये तीन लेयर से मिलकर बनी हुई है। सबसे आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम, मिडल होती है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली जो होती है ये एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम में भी अगेन टू लेयर्स होती हैं, स्ट्रैटम बेसालिस और स्ट्रैटम फंक्शनालिस। सो ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये स्ट्रैटम फंक्शनालिस यानी जो फंक्शनल लेयर होती है उसके अंदर कंप्लीटली इन्वेड होता है। ये कभी भी बेसल लेयर तक इन्वेड नहीं होता है, वहाँ तक ये और ज़्यादा नहीं धंसता है, सिर्फ ये कहाँ तक जाता है? फंक्शनल लेयर तक। ये जो इम्प्लांटेशन है ये कब और कहाँ होता है? जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि फोर्थ और फिफ्थ डे पे ये ब्लास्टोसिस्ट एंटर करता है यूट्राइन कैविटी में, उसके बाद ये फ्रीली फ्लोट करता है। और इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है ये कब स्टार्ट होता है? सिक्स्थ डे पे। और कहाँ होता है? ये यूट्रस की एंटीरियर वॉल है और ये है पोस्टीरियर वॉल। तो इम्प्लांटेशन हमेशा या तो एंटीरियर वॉल पे या पोस्टीरियर वॉल पे, लेकिन फंडस के पास में, तो या फिर तो ये यहाँ पे इम्प्लांट होगा या फिर यहाँ पे, यानी नियर दी फंडस। सो इम्प्लांटेशन हमेशा कहाँ होता है? एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल, बट नियर दी फंडस। नाउ इम्प्लांटेशन कैसे स्टार्ट होता है? इम्प्लांटेशन हमेशा ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ये पोल होता है इसे बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पोल, क्योंकि ये जो इनर सेल मास है ये स्ट्रोफोब्लास्टिक जो लेयर होती है उससे अटैच्ड है। सो यही इनर सेल मास आगे चल के जब एम्ब्रियो बनाती है तो ये पोर्शन जो कि अटैच्ड पोर्शन है ये कहलाता है एम्ब्रियोनिक पोल, और इसका जो अपोजिट डायरेक्शन है ये कहलाता है एब एम्ब्रियोनिक पोल। सो हमेशा जो इम्प्लांटेशन है ये एम्ब्रियोनिक पोल से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो इनर सेल मास है
ये कुछ सिग्नल्स को सेंड करती हैं, जिसके कारण ये ट्रोफोब्लास्ट जो सिंगल लेयर है ये अगेन वापस से क्या करने लगती है, अपने आप को डिफ्रेंशिएट, जिसके कारण क्या होगा कि ये सिंगल लेयर फाइनली डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनाएगी, टू लेयर, और जिसमें आउटर लाइनिंग जो होगी यानी जो बाहर की तरफ डिफ्रेंशिएटेड लेयर है ये कहलाएगी सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एग्जैक्ट सेल बाउंड्रीज नहीं होती हैं, उनके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो जाते हैं। सो ये जो बाहर की लाइन होती है आउटर, ये कौन सी होती है, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, और अंदर जो सिंगल लेयर होती है, और ये जो सिंगल लेयर है इसमें एग्जैक्ट सेल बाउंड्रीज प्रेजेंट होती हैं, इनका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो आपस में मिक्सअप नहीं होता है, तो ये जो लाइनिंग होती है इसे क्या बोलते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो इम्प्लांटेशन से पहले इन्हीं इनर सेल मास के जरिए बाहर की ट्रोफोब्लास्टिक लेयर दो में डिफ्रेंशिएट होती है, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। नाउ क्या होता है कि सबसे पहली स्टेज होती है यानी एपोजिशन। एपोजिशन में क्या होता है कि दोनों लेयर्स यानी ब्लास्टोसिस्ट की और एंडोमेट्रियल लाइनिंग की एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे के साइड बाय साइड लाइन करती है, और इन सेल्स पर यानी जो सिंसियोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं इन पे क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाइज, और यहीं पे इन एंडोमेट्रियल लाइनिंग पे भी क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाइज, कई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, लेकिन यहाँ पे इन्हें क्या कहते हैं, पिनोपोड्स, इन लाइनिंग्स को क्या कहते हैं, पिनोपोड्स। तो इम्प्लांटेशन से पहले ये पिनोपोड्स क्या करते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो यूट्रस है ये सेक्रेटरी फेज में होता है, सो इस यूट्रस के अंदर, इस यूट्राइन कैविटी में प्रेजेंट कई यूट्राइन मिल्क जो कि ग्लाइकोजन और लिपिड रिच होते हैं इनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जब इन ग्लाइकोजन और लिपिड रिच सेक्रेशन को एब्जॉर्ब करता है तो इनिशियल स्टेज पे इस ब्लास्टोसिस्ट के लिए क्या कर रहा होता है, नरिशमेंट कलेक्ट कर रहा होता है, सो इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए क्या करता है, ग्लाइकोजन और लिपिड को एब्जॉर्ब। सो एपोजिशन फेज के अंदर फाइनली क्या होता है कि ये क्या करता है, एब्जॉर्ब। नाउ एपोजिशन के बाद स्टार्ट होता है एडेशन फेज, और एडेशन में क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि फाइनली एंडोमेट्रियल लाइनिंग पे प्रेजेंट पिनोपोड्स और यहाँ पे प्रेजेंट माइक्रोविलाइज टाइटली क्या हो जाते हैं, इंटरलॉक, और इनको इंटरलॉक और एडहेयर करने के लिए क्या रिलीज होते हैं, कुछ एडहेशन मॉलिक्यूल, जैसे कि है सेलेक्टिन, इंटेग्रिन, कैडहरिन, जो कि दोनों ही लाइनिंग से रिलीज होते हैं, एंडोमेट्रियम एज वेल एज ट्रोफोब्लास्टिक लाइनिंग से, और ये एडहेशन मॉलिक्यूल इन दोनों को क्या करते हैं, एडहेयर करते हैं, यानी आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं टाइटली। नाउ जैसे ही दोनों स्ट्रक्चर आपस में एडहेयर होने लगते हैं क्या होगा नेक्स्ट, कि इन सिंसियोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स है, क्योंकि जहाँ पे एम्ब्रियोनिक पोल होता है वहाँ पे सिंसियोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स मोर डेवलप होती है रादर अपोजिट डायरेक्शन में, सो यहाँ पे जो सिंसियोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होती हैं इस एडहेशन के बाद में धीरे धीरे इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग की जो स्ट्रोमल सेल्स होती हैं इन स्ट्रोमल सेल्स को फाइनली क्या करने लगती है, ये कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करने के बाद इनको ब्रेक करने लगती है और यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करने लगती है ताकि ये फाइनली ये जो स्ट्रक्चर है ये धीरे धीरे इसमें अंदर इसके अंदर क्या कर सके, इन्वेड कर सके। तो यहाँ पे ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या कर रहे हैं, इन स्ट्रोमल सेल्स को क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन, और फाइनली ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे इसमें क्या करने लगेगा, पेनिट्रेट और इन्वेड। तो नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो कौन सा होता है, पेनिट्रेशन और उसके बाद में इन्वेजन। अब इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे एनलार्ज, इस होल स्ट्रक्चर को यहाँ पे एनलार्ज करके देखेंगे कि यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे है ब्लास्टोसिस्ट और इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर पेरिफेरली अरेंज सिंगल लेयर स्ट्रक्चर जिसे क्या बोलते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट,
और इसके सराउंड में प्रेजेंट हैं मल्टी न्यूक्लियोटाइड सेल सेंट्रोब्लास्ट। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से फाइनली ये है एंडोमेट्रियल लाइनिंग और ये एंडोमेट्रियम के अंदर क्या हो चुका है, यहाँ पे कम्प्लीटली धस चुका है, बरीड हो चुका है। सो दिस इज द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। सो जैसे ही ये होल स्ट्रक्चर इस एंडोमेट्रियम के अंदर धस जाता है, उसी के साथ में यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, एक फाइब्रिन क्लॉट, और इस होल स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्या कर देता है, पैक। धीरे धीरे यहाँ पे जो सिंसाइटोरोब्लास्टिक सेल्स जो हैं, सिंसाइटोरोब्लास्टिक सेल, ये इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग पे प्रेजेंट कई मैटरनल कैपिलरीज को क्या करने लगता है, इन्वेड करने लगता है और उसी के साथ में इसी एनलार्जमेंट प्रोसेस के जरिए इन्हीं सिंसाइटल सेल्स के अंदर, इन्हीं सिंसियम सेल्स के अंदर क्या क्रिएट होने लगते हैं, स्पेसेस, और इन स्पेसेस को कहते हैं हम यहाँ पे लैक्यूनेस, और ये कई स्पेसेस मर्ज होकर बनाते हैं लैक्यूनर नेटवर्क, और इन स्पेसेस के अंदर फाइनली मदर का जो ब्लड होता है वो ड्रेन होने लगता है और इन लैक्यूनेस के अंदर कलेक्ट होने लगता है। सो ये है मैटरनल कैपिलरीज जो कि ब्लड को ड्रेन कर रही हैं इस लैक्यूनर नेटवर्क के अंदर। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे कि क्या होती है लैक्यूनर नेटवर्क्स। लेकिन यहाँ पे ये सिंसियोट्रोब्लास्टिक सेल और ज़्यादा इन्वेड नहीं होती हैं, ये फंक्शनल लेयर को क्रॉस करके बेसल लेयर तक नहीं पहुँचती है, बिकॉज इन सिंसियोट्रोब्लास्टिक सेल और एंडोमेट्रियल लाइनिंग से कुछ रिलीज होते हैं लोकल पेप्टाइड्स और साइटोकाइन जो कि इसके फर्दर इन्वेजन को यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्टॉप। क्योंकि अगर ये और ज़्यादा अंदर डीपली इन्वेड हो जाएंगे तो ये फर्दर कई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। सो नॉर्मली इसका जो इन्वेजन है वो यहीं पे रुक जाता है इसी फंक्शनल लेयर तक, क्योंकि यहाँ से क्या रिलीज हो रहे हैं, कुछ लोकल पेप्टाइड्स और साइटोकाइंस जो कि दोनों ही लाइनिंग से रिलीज होते हैं जो कि इसके फर्दर पेनिट्रेशन को क्या करते हैं, स्टॉप। तो इस टाइप के डीप पेनिट्रेशन को जिसमें कि होल ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में कम्प्लीटली धस जाता है, इस टाइप के इम्प्लांटेशन को क्या कहा जाता है, इंटरस्टीशियल इम्प्लांटेशन। और ये 10th और 11th डे पे कंप्लीट हो जाता है। और जब ये ट्रोफोब्लास्टिक लेयर अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रही होती है तो उसी के साथ में ये भी इनर सेल मास अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने लगती है और चेंज हो जाती है इंटू बाइलेमिनर डिस्क। बाई मीन्स टू, तो यहाँ पे टू लेयर्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं और इनमें से एक जो लेयर होती है ये कहलाती है एपिब्लास्ट और ये कहलाती है हाइपोब्लास्ट जो कि आगे चल के एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं। और यही एपिब्लास्ट फाइनली इसी ट्रोफोब्लास्टिक इनर लाइनिंग को कवर करके यहाँ पे एक कैविटी क्रिएट करती है और इस कैविटी को यहाँ पे कहते हैं हम एमनियोटिक कैविटी। और यहाँ पे हाइपोब्लास्टिक सेल इस ट्रोफोब्लास्ट सेल को कवर करके यहाँ पे अगेन दूसरी कैविटी क्रिएट करती है जिसमें होता है योक सैक। तो यहाँ पे इस लेक्चर के जरिए हमने देखा कि प्लासेंटा डेवलपमेंट के अंदर इम्प्लांटेशन प्रोसेस क्या होती है और किस तरीके से होल ब्लास्टोसिस्ट इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर बरीड हो जाता है जिसे बोलते हैं इंटरस्टीशियल इम्प्लांटेशन जो कि 10th और 11th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इस ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के बाद में नाउ इस एंडोमेट्रियम को अब क्या कहा जाता है, डेसिडुआ। सो डेसिडुआ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे। थैंक यू।